आमिर खान बॉलीवुड के एक बड़े स्टार हैं। सालों से लाल सिंह चड्ढा अभिनेता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वो पूर्णतावादी है जो महान फिल्मों के लिए भुगतान करता है। हालांकि उसके पास घोटालों, झड़पों, प्रतिस्पर्धा और बहुत कुछ का हिस्सा था। जैसे जैसे गायक एक और साल का होता जाता है, हम उसके महाकाव्य उद्योग के झगड़ों को देखते हैं। अंदाज अपना अपना में आमिर और सलमान खान ने अभिनय किया था। फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई है। क्या आप जानते हैं सेट पर सलमान और आमिर के बीच नहीं बनती थी दोस्ती? कॉफी विद करण में आमिर खान ने इस बात का खुलासा किया है। सलमान खान के साथ काम करने पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के अभिनेता कहते हैं, यह एक बुरा सपना था। मैंने तब उसका तिरस्कार किया। वो अप्रिय और लापरवाह था। उनके साथ काम करने के बाद मैं बस सलमान से बचना चाहता था। बाद में उन्होंने खुलासा किया कि सलमान खान ने एक बुरे बिंदु पर उनके जीवन में फिर से प्रवेश किया। पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद आमिर खान ने शराब पीना शुरू कर दिया था। तभी उनसे सलमान खान मिले थे। हालांकि शाहरुख खान और आमिर खान अब अच्छे दोस्त लगते हैं, लेकिन कई स्रोतों से संकेत मिलता है कि उनके बीच शीत युद्ध था। शाहरुख खान ने कथित तौर पर कहा कि उनके बच्चे कभी भी आमिर खान के अनुयायी नहीं होंगे। आमिर ने यह कहते हुए जवाब दिया कि शाहरुख परेशान है क्योंकि उनकी फिल्में अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि हमेशा उनसे प्यार करें और उनका सम्मान करें, चाहे शाहरुख अपने बच्चों से कुछ भी कहें, उन्होंने मुंबई मिरर को बताया। यह उसके ऊपर है कि वो अपने बच्चों को निर्देश दे। मैं उनकी नाराजगी को समझता हूं क्योंकि उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। डर के कारण आमिर खान और यश चोपड़ा में झगड़ा हो गया। शाहरुख खान से पहले आमिर खान को फिल्म में राहुल की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने की हामी भरकर पहल छोड़ दी। यश चोपड़ा ने कहा कि आमिर खान जानना चाहते हैं कि सनी देओल उन्हें कितनी बार मुक्का मारेंगे। ट्रेडिट के साथ एक साक्षात्कार में आमिर खान ने खुलासा किया कि यश चोपड़ा ने उन्हें और सनी देओल को फिनाले के दृश्य के वैकल्पिक वर्णन दिए थे। मैं अपनी स्क्रीन पिक्चर को लेकर चिंतित था। एक व्यावसायिक फिल्म में नायक मुझे मारने वाला नहीं था। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि दीपक तिजोरी ने जो जीता वही सिकंदर में मेरी पिटाई की, क्योंकि यह एक अलग फिल्म थी। लेकिन अगर आप सनी और मैं हैं, तो मैं उससे या अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से पिटना नहीं चाहता। अमोल गुप्ते आमिर खान की तारे जमीन पर निर्देशित करने वाले थे। हालांकि कलात्मक मतभेदों के कारण अभिनेता ने निर्देशक का पद संभाला। अमोल गुप्ते को फिल्म का लेखक और निर्देशक बनना था। अमोल ने बॉलीवुड बबल के साथ एक साक्षात्कार में कहा, समय बीत जाता है मेरे दोस्त, और आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमेशा सूर्योदय होता है। यह मुझे डराता नहीं है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो तड़पता बैठा हो। मैं दिन को सींगों से पकड़ता हूं और देखता हूं कि इसमें मेरे लिए क्या है। इसलिए मैं अपनी कला फिल्मों का अभ्यास कर सकता था, तो मैंने इसे बनाया। 14 वर्ष इश्क सेट पर आमिर खान और जूही चावला के बीच विवाद शुरू हो गया। आमिर और अजय ने जूही चावला को प्रैंक किया, इतना कि वो लगभग रो पड़ी और कहा कि वो अगले दिन शूटिंग नहीं करेगी। उसने अपनी बात रखी और अगले दिन नहीं आए। आमिर और अजय ने बाद में उनसे माफी मांगी और सब ठीक हो गया। लेकिन आमिर इस बात से नाराज थे कि उन्होंने एक दिन बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बाद आमिर मुझसे नाराज हो गए, उसने सावी मैगजीन को बताया। आप मुझसे झगड़ सकते हैं या मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप सेट को मिस नहीं कर सकते। आपने शूटिंग के पूरे दिन को रोक दिया और निर्माता को बहुत नुकसान होता है क्योंकि पूरी यूनिट दिखाई देती है। आमिर खान ने अपनी पहली पत्नी रीना को तलाक दे दिया। जूही ने मुश्किल समय में आमिर को फोन किया और उन्हें छुआ गया।